प्यारे बच्चों कैसे हो। समीकरण भाग पांच, कल हमने पढ़ा था कि सरल समीकरण बना के, समीकरणों को सरल बना के हम कैसे समीकरण हल कर सकते हैं। आज हम रैखिक समीकरण में बदले जाने वाले समीकरण लेके उनको हल करना सीखेंगे। अर्थात वो समीकरण है जो रैखिक अवस्था में नहीं दिए हुए हैं, हम रैखिक समीकरणों को हल करते हैं लेकिन वो रैखिक में बदले जा सकते हैं। वो किस प्रकार रैखिक समीकरणों में बदले जा सकते हैं हम देखें। हमारे पास मान लो एक प्रश्न ये दे दिया कि 7x-3/2x = 5। अब एक ही पक्ष में हमारे पास ऊपर या नीचे चर नहीं था अभी तक हमारे पास ऊपर ही चर था, दोनों पक्षों में हो सकता था। लेकिन अब हम इसको दोनों पक्षों में कैसे बनाएंगे देखें। अब जिस तरफ संख्या के साथ हर नहीं है, हम हर ले लेंगे, जिसके नीचे हर नहीं होता उसके नीचे हर क्या होता है, एक होता है। तो एक चरण हमारे पास आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि यदि हमारे पास पूरा का पूरा पद बटे में कोई एक पद और उसके बराबर दूसरे पक्ष में एक पद के बटे में दूसरा पक्ष हो, पद हो, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मतलब इसकी इसके साथ गुना और इसकी इसके साथ गुना, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोला जाता है, गुणा क्रॉस में करना। अब हम एक को इस संख्या से गुणा करेंगे तो एक को तो किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, वो संख्या ऐसी कैसी रहेगी, बीच में समता का निशान है, 7x-3 के साथ एक ही गुणा करेंगे और पांच के किसके साथ करेंगे गुणा, 2x के साथ इधर लाके। अब यदि इस प्रकार से गुणा करेंगे तो मेरे पास आ गया 7x-3 = 5×10x। अब देखो ये बिल्कुल रैखिक समीकरण बन गया है और दो चरों में x है तो हम x को एक साइड लेके, दो पक्षों में चर है तो इधर आके ये 10x- का हो गया और ये जो 3 था घटा वाला उधर जाके प्लस का 3 हो गया। इधर हमारे पास कोई संख्या नहीं थी इसलिए उसको हमने नहीं लिखा, या लिख सकते तो 0 लिख सकते हैं, 0 + 3। 7x में से 10x गए, 3x बच गया घटा के यहाँ पे, और x बराबर क्या आ गया, 3 बचे घटा के 3, 3 + 3, हमारे पास x क्या आ गया 1, लेकिन नेगेटिव साइन 1 है तो नेगेटिव का x बराबर -1। इस प्रकार के समीकरण बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। और देखें कैसे आ सकते हैं इसमें प्रश्न हमारे पास आ सकते हैं 2y + 3 = 3y - 2 = 5/3। सिंपल वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किस प्रकार, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, ऐसे ही करने का हमें। सबसे पहले बीच में सत्ता का निशान है, 3 की किसके साथ गुणा करेंगे, दो पद हैं तो दो पद को हमने ब्रैकेट में लेना है, इस चीज का ध्यान रखें। यहां भी दो पद हैं और 5 पहले गुणा में है तो ब्रैकेट में हम क्या लेंगे, 3y - 2। गुणा लगाना जरूरी नहीं है, ऑटोमेटिक गुणा होता है, मतलब इसको सीधा ब्रैकेट में ले जाएंगे उधर और गुणा में है ये, देखो 3 के साथ आप गुणा करो, 3 × 6y + 3 = 9, 5 × 15y + 5 = 10। वाई वाई वाले एक साइड लें, इधर 6y था, 15y उधर से माइनस का आ गया, इधर हमारे पास घटा का 10 था, 9 उधर जाके घटा का हो गया और 6y में से 15y गए, क्या बच गया, घटा के 9y = 10 और 9 = 19 और y बराबर यहाँ कितना होगा, घटा के 19/9। अब घटा घटा 2 है तो प्लस हो जाएगा तो y बराबर मेरे पास कितना आ गया, 19/9। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम करेंगे, इसी प्रकार हम करते आ रहे हैं पहले भी, लेकिन सिर्फ ये एक अलग स्टेप है कि जो हर है उधर जाके गुणा में देगा, पूरा का पूरा संख्या जाएगी और ये इधर से। अब ये एक ही संख्या है, इसका ध्यान रखें, कहीं इसके प्लस और माइनस में कुछ हो तब नहीं ले जा सकते हम, ये सिर्फ एक ही पद हमारे पास बना हुआ है, ऊपर अंश है इसी इसका, ये इसका हर है, पूरा का पूरा अंश, पूरा का पूरा हर जा रहा है ये, समझ गए ना। अब एक प्रश्न और इसमें कैसे आ सकता है, एक प्रश्न और लेते हैं, कोई ज्यादा और मुश्किल बात नहीं है, कि हमारे पास आ गया 7m - 3 = 3m - 5 = -5/2। बिल्कुल उसी प्रकार गुणा करेंगे, इसको इसके साथ, इसके साथ कर दें, 2 की पहले किसके साथ गुणा में है, 7m - 3 इसके साथ ऊपर वाले के साथ 2 की बराबर का निशान और घटा का 5 की किसके साथ गुणा में है, 3m - 5। अब गुणा करें, 2 × 7 = 14m - 3 × 6। अब ये देखो बाहर माइनस का निशान है, नेगेटिव साइन है, तो अंदर वाले निशान क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। उसी प्रकार से ये जोड़ का ये घटा का हो जाएगा, 5 × 15m
और जो जोड़ का है वो घटा का है वो जोड़ का हो जाएगा पजो पजो 25, क्योंकि इसकी तो गुणा है ना दोनों के साथ, हर बार ये तो कर रहे हैं हम हर पद के साथ गुणा कर रहे हैं। अब एम एम वाला एक तरफ लें, इधर 14m है, माइनस वाला इधर जाके प्लस m हो जाएगा 14m, और इधर 25 प्लस का था, ये माइनस का छह उधर जाके भी प्लस का हो जाएगा। अब 14 और 25 क्या हो गया मेरे पास 29m, और यहाँ 25 और 16 छह और 31 हो गया, तो m बराबर मेरे पास क्या गया 31/29। बिल्कुल आसानी से इन प्रश्नों को कर सकते थे, इसमें सिर्फ एक ही चीज थी रैखिक समीकरण बनाने के लिए कि हम आर पार गुणा करें, इसको आर पार गुणा बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कि जो बाएं पक्ष के हर को दाएं पक्ष के अंश के साथ ले जाएं और दाएं पक्ष के हर को बाएं पक्ष के अंश के साथ ले जाकर गुणा कर दें। तो आशा है ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब ये प्रश्न कीजिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए।